वडोदरा शहर में करोड़ों के खर्च पर बनाए गए गोत्री मुक्ति धाम में असुविधा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज उठाई है। गोत्री मुक्ति धाम का निर्माण सिर्फ दिखावे के लिए किया गया हो ऐसा साफ प्रतीत होता है। वडोदरा शहर का गोत्री मुक्ति धाम बदहाल स्थिति में है। ना तो यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की। यहाँ पर लाइट की भी सुविधा नहीं है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है और रोशनी का कोई भी इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार करने मुक्ति धाम में आए लोगों के लिए यहाँ पर लकड़ियों की भी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए लकड़ी की ताल खोलने के लिए भी नगर निगम में बात की गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकाला गया। अब यह सब तो प्राथमिक सुविधा की बात थी, लेकिन यहाँ पर आवारा कुत्ते भी बेपरवाह घूमते हैं और अंतिम संस्कार किए गए शव को खोदकर बाहर निकाल लेते हैं। कितनी बार इसी तरह से यह आवारा कुत्ते शव के कुछ अवशेषों को बाहर निकालकर बागान तक खींच लाते हैं। इन सब पर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वडोदरा शहर आ एक गोत्री स्मशान है। आ स्मशान में घना लोग पोताना जे स्वजनों मरी जाए पीछे अँ मृतदेह लैने आता हो, परंतु अँ आ स्मशान में जो करोड़ों रुपया खर्चो करो खर्चो आज एड़े गयो है। कारण के अँ पीवाना पानी की व्यवस्था नहीं, संडास बाथरूम की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं, शोभा गाँठिया है। अँ सिक्युरिटी गार्ड और एक फक्त मणस मुकेलो है आ स्मशान अंदर। जयरे मृतदेह लैने कोई आए थे तरह लाकड़ा जुए पर अँ लाकड़ा की कोई सुविधा नहीं, पीवाना पानी की सुविधा नहीं, संडास बाथरूम की सुविधा नहीं। साथ जोई सको अँ गई काले ज कोई मृतदेह बाड़ेलो तो ये मृतदेह ने अँ मोटा मोटा जो कूतराओ है ये कूतराओ आज जे मृतदेह टुकड़ा टुकड़ा बहार लाया है। एट्ले कि अँ जीवते जीव वडोदरा महानगर सेवा सदन वेरा वर्तन नहीं आपती, तो मरण मरिया मरण थे बाद आ वडोदरा महानगर सेवा सदन कोईपण स्वजन ने आघात पहुँचाड़े तव आज बनाव बनो। वडोदरा महानगर सेवा सदन ना जे मुख्य अधिकारी आरोग्य विभाग ना छे देवेश एंड पटेल जे कंपनी चाली रही छे, आ कंपनी ने एनी मंडली द्वारा वडोदरा शहर ना स्मशान में करोड़ों रुपया नो भ्रष्टाचार करी रह्या छे। आ स्मशानों में जे 2 करोड़ रुपया दर वर्षे वपराय छे, परंतु जोई सको छो अहीं कोई सुविधा नहीं, कोई माणसों की निमणूक करवामां नथी आवी। गैस चिता चालू करी छे त्यां पण कोई व्यक्ति की निमणूक नहीं, ज्यारे कोई अहीं बॉडी सळगावा आवे त्यारे पण अहीं कोई व्यक्ति की निमणूक करी नथी। आ तमाम निमणूको कागळ पर होय छे परंतु अहीं निमणूक नथी, एटले कही शकाय के देवेश एंड पटेल नी जे मंडळी छे आ मंडळी द्वारा करोड़ों नो भ्रष्टाचार अहीं करवामां आवे छे। आजे जे मृतदेहना टुकड़े टुकड़ा अहीं बहार लईने कूतराओ लई आवे छे, तो पण कॉर्पोरेशनो कोई अधिकारी कर्मचारी आजे જોવા અહીં આવેલ નથી। આજે મુર્દાના જે ટુકડા ટુકડા બહાર પડી ગયા છે, તમે કોને જવાબદાર માનો છો નામ? આજે જે બોડીના ટુકડા કૂતરા લઈને આવ્યા છે તેના માટે મુખ્ય અમલદાર દેવેશ પટેલ અને તેમના મળતિયા જે લોકો આ સ્મશાન ઉપર રાજ કરી રહ્યા છે એ તમામ જવાબદાર છે। આગામી દિવસોમાં અમે કમિશનર સાહેબને તમામ પુરાવા સાથે લેખિત વાત કરનાર છે અને આ કંપનીને સસ્પેન્ડ કરે, દેવેશ એન્ડ પટેલ કંપનીને સસ્પેન્ડ કરે યા ડિસમિસ કરે તેવી અમારી માંગ છે। કારણ કે વડોદરા શહેરનો નાગરિક વેરો ભરે છે, વેરાનું વળતર જીવતે જીવ નહીં આપતા, મર્યા બાદ પણ વેરાનું વળતર આ વડોદરા મહાનગરપાલિકા આપતી નથી। ऊपर से सिर्फ दिखावे के लिए बनाए गए इस मुक्ति धाम में लोग शाम को शराब भी पीते हैं, ऐसी बातें भी चर्चा में सुनाई दी। एक मुक्ति धाम में देने वाली सभी सुविधाएं सिर्फ कागजी ही रह गई है, यह स्पष्ट तौर पर यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कागजी सुविधा है तो फिर भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, यह भी साफ नजर आ रहा है। अब इस मामले में प्रशासन क्या रुख करता है, यह तो वक्त ही बताएगा। गोत्री गाम नो शमशान छे, गोत्री गाम नो तो बहुत मोटो विस्तार बनी गयो छे, एटले बधी बहुत चिताओ अहीं आगळ आवे छे, सब आवे छे। કેટલી વાર અમે પેલા જોશી સાહેબ છીએ અને દિવેશ પટેલ છે, બેવને રજૂઆત કરતા હોય છે વારંવાર, પણ એ લોકો કોઈ ધ્યાન આપતા નથી। આજે સવારે જ મને ફોન આવ્યો, હું અહીંયા આવ્યો કે ભાઈ એક સબ છે એ તમારા રજતું કૂતરા ખેંચીને ફરે છે। મેં દિવેશ પટેલને ફોન કર્યો અહીંથી, તો દિવેશ પટેલ સામેથી મને ધમકી આપે છે, તમારે જે મીડિયાને જે મારું ઉકાળી લીધું હોય એ ઉકાળી લો, હું તમને ઓળખતો નહીં અને મારું કશું કરું નહીં, એવું મને જવાબ આપે છે। જી કાકા, આજે જેને ચિતા સળગાવવામાં આવી હતી, એમની જે રીતે અધૂરી ચિતા સળગી નથી, જે કૂતરા કે કેટલી, તમારું મંતવ્ય શું કહ્યું, કેટલી ગંભીર? બહુ ગંભીર બાબત કહેવાય યાર, કારણ કે અહીંયા આગળ આવ્યા પછી સમગ્ર આ જે જવાબદારી છે ને એ સ્મશાનના અધિકારીઓની હોય છે। અહીં માણસ મૂકવો જોઈએ, માણસ મૂકતા નથી, લાકડાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કરતા નથી,
અમે કેટલી વાર રજૂઆત કરી છે, ગેટ ની આખો કમ્પાઉન્ડ કર્યો છે, પણ ગેટ આગળથી કૂતરા અંદર ઘૂસી ના આવે છે. તમે કોને જવાબદાર માનો છો? અમે તો દિવેશ પટેલ જયારે મેન કરતા છે એ દિવેશ પટેલે જવાબદાર ગણીએ છીએ, ને એ માણસ અહીંયા આગળ ધ્યાન આપતા જ નથી.